देखा जाए तो मुझे सना मकबूल का कंट्रीब्यूशन मुझे तो दिखा नहीं, पता नहीं किसको दिखा है, क्या दिखा। मैं चाहता था कि नेजी को यह ट्रॉफी मिले। मैं जानना चाहता हूँ कि कितने परसेंट लोग कहते हैं कि अनडिजर्विंग है। 100% में से 20% कहना चाहते हैं कि अनडिजर्विंग है। वो लोग हैं जो अपने अपने आइडल्स को सपोर्ट करना चाहते हैं, लेकिन उनसे देखा नहीं गया कि अरे मेरा इंसान तो बाहर चला गया। घर के अंदर आते ही पहले दिन से लव और विशाल एक साथ है, आते ही पहले या दूसरे दिन में, इनफैक्ट पहले दिन में, क्योंकि जब मैं अंदर आया था तभी दोनों आपस में बहुत घुल मिल रहे थे। नेजी ने इस बात के बारे में जिक्र किया था जब उसकी मूवी आई थी बाहर, तभी वो पूरे सोसाइटी से, दुनिया से गायब हो गया था, कुछ हो गया। यार मैं तो बहुत खुश हूँ यार, मैं पूरा सीजन में अंदर था, घर के अंदर था और टॉप फोर में आया हूँ। इससे बढ़कर मेरे लिए कोई खुशी नहीं है। तो आई एम वेरी हैप्पी कि जहाँ तक मैं पहुँचा हूँ मैं उसके लिए बहुत खुश हूँ। कभी मैंने सोचा नहीं था कि मैं घर के अंदर दोस्त बनाऊँगा, क्योंकि सिर्फ मैं ही नहीं, बाकी सारे लोग जो अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, हर किसी की सोच अलग है। वो एक अलग परसेप्शन से आता है कि कोई सोचता है कि मुझे अपनी पर्सनालिटी दिखानी है, कोई सोचता है कि मुझे ट्रॉफी जीतना है, कोई सोचता है कि मैं इतने दिन अंदर रहना चाहता हूँ, कोई अपने अपने मकसद के लिए अंदर आता है। तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं अंदर जाके दोस्त बनेंगे मेरे, क्योंकि मेरे दोस्त मेरी एक प्राइवेट लाइफ है, काफ़ी प्राइवेट लाइफ है जो मेरे दोस्त है अंदर, बाहर की दुनिया में भी मैं जल्दी दोस्त नहीं बनाता, क्योंकि ये कलयुग है, लोग अपने अपने फ़ायदे के लिए एक दूसरों से बात करने की कोशिश करते हैं, ये और ये मैंने देखा है, बहुत देखा है। तो इसलिए मैंने कभी सोचा नहीं था कि एक रियलिटी टीवी शो में मेरे दोस्त बनेंगे, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे मैं ओपन अप होने लगा, लोगों को जानने लगा, उनकी कहानी जानने लगा, धीरे धीरे मेरे भी दोस्त बने, जो कि अच्छी बात है। और फिर द एंटायर जर्नी वॉज साईं, अगर हम आपकी जर्नी देखते हैं, काफ़ी लंबी रही, बट कहीं ना कहीं टॉप फाइव में आने के बावजूद लोग आपको अनडिजर्विंग कहते हैं, इस पे आपका क्या स्टैंड रहेगा? मैं जानना चाहता हूँ कि कितने परसेंट लोग कहते हैं कि अनडिजर्विंग है, क्योंकि मुझे लगता है कि 100% में से 20% कहना चाहते हैं कि अनडिजर्विंग है, क्योंकि हर एक अपने अपने आइडल्स को सपोर्ट करना चाहते हैं। ये शायद वो लोग हैं जो अपने अपने आइडल्स को सपोर्ट करना चाहते हैं, लेकिन उनसे देखा नहीं गया कि अरे मेरा इंसान तो बाहर चला गया। तो शायद ये सारे वो लोग हैं, लेकिन मैंने अपना काम किया है, मैंने अपनी दोस्ती निभाई है, जहाँ मुझे मेरा स्टैंड लेना चाहिए था वहाँ मैंने स्टैंड लिया है, मैंने लोगों को जानने की कोशिश की है, लोगों को हेल्प करने की कोशिश की, और जहाँ मुझे लगता है मुझे हेल्प करना है मैंने डेफिनेटली वहाँ जाके हेल्प किया, लोगों को बचाया है, मैंने अपने दोस्तों को बचाया, मैंने अपनी सारी ड्यूटीज़ निभाई है घर के अंदर। मैं कभी ड्यूटी से भागा नहीं हूँ, अपने काम से भागा नहीं हूँ, मैं काम चोरी नहीं करता, और बाहर की दुनिया में भी ऐसा ही है, मैं काम चोरी नहीं करता। तो जैसी मेरी पर्सनैलिटी है, सच्चा रहो, दोस्तों को निभाओ, जो रिश्ता तुम्हारा बना है उनको निभाओ, और आगे बढ़ते रहो। फिर तुम्हें अपनी तुम ट्रॉफी मिलेगी नहीं मिलेगी, तुम टॉप फाइव में रहोगे नहीं रहोगे, वो बात का बात है, वो शायद ऊपर वाला देख लेगा और वो कह देगा कि भाई तथास्त। साईं, मैं ये भी जानना चाहूँगी, जैसे कि हमने बिग बॉस में देखा दो ग्रुप थे, यू नो दो ग्रुप थे, अगर आपकी फ्रेंडशिप की बात करें तो रणवीर सर या अरमान मलिक के साथ नहीं रहता तो शायद आपका लव कटारिया के साथ में ज़्यादा अच्छा गुड फ्रेंडशिप रहता आपका, इस पे क्या? यार ये जो ग्रुप थे ना, मैं कहना चाहूँगा कि पहला ग्रुप कौन सा बना, आप बताइए, घर में जाने के बाद जाते पहला ग्रुप कौन सा बना? ऑफकोर्स बना था, आप कहना नहीं चाहूँगे, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि घर के अंदर आते ही पहले दिन से लव और विशाल एक साथ है, और मैंने ये उनसे कहा भी था, मैंने वीकेंड के बार भी कहा था कि दो लोग एक साथ इतने गहरे दोस्त कैसे बन सकते हैं आते ही पहले या दूसरे दिन में, इनफैक्ट पहले दिन में, क्योंकि जब मैं अंदर आया था तभी दोनों आपस में बहुत घुल मिल रहे थे। तो ये ग्रुप ना तब से बन गया था, पहले दिन से बन गया था। उसके अलावा सना मकबूल भी उस ग्रुप में थी, और फिर शिवानी भी आई, तो ये ग्रुप ना पहले दो तीन दिन में बन गया था। और बाकी के जो सारे लोग थे वो स्कैटर हो गए थे, सब अपना अपना खेल रहे थे, मैं भी अपना अपना खेल रहा था, लेकिन धीरे धीरे तुम एक दूसरों को जानने की कोशिश करते हो, ना सिर्फ मैं, बाकी लोग भी एक दूसरों को जानने की कोशिश करते हैं कि कहाँ से आए हो, क्या काम करते हो, तुम्हारी कहानी क्या है, तुम लाइफ में कहाँ नीचे गिरे थे, कहाँ ऊपर उठे, क्या सब जानने की कोशिश करते हो। धीरे धीरे उस प्रोसेस में एक दूसरों के दोस्त भी बन जाते हैं, तुमको लगता है कि एक दूसरों की वाइब मैच हो गई है। तो मेरी वाइब दीपक जी से अच्छी मैच हो रही थी, सना सुल्तान के साथ अच्छी हो रही थी, नेजी, फिर रणवीर, अरमान, पोलोमी, काफ़ी सारे लोग मैं इस जर्नी में मिला, अच्छा लगा। तो इसको मतलब आप बोलते हैं ना, एक ऑर्गेनिक दोस्ती होती है, प्री प्लान्ड दोस्ती या प्लान्ड दोस्ती नहीं होती कि एक मकसद के साथ इसके साथ बात करूँगा तो शायद मेरा बाहर
एक फैंटम ऐसा बन सकता है करके, मैं किसी एक्सपेक्टेशन के साथ नहीं गया और ऐसा जाना भी नहीं चाहिए. तुम अगर आए हो तो खेलो, बाद में तुम्हारे दोस्त बनेंगे, धीरे धीरे बनेंगे, लेकिन प्लान्ड वे में मत जाओ ना. आपसे ये भी जानना चाहूंगी साई, जैसे कि नेजी टॉप टू में थे बट उनके गेम प्लान को जहां तक ऑडियंस देखते थे, इवन घर के लोग भी कहें, इवन नेजी ने भी एक्सेप्ट किया कि मेरा गेम थोड़ा स्लो था, तो क्या आपके अकॉर्डिंग वो टॉप टू में डिजर्विंग थे? यार अगर नेजी ऐसा कह रहा है कि वो थोड़ा स्लो था, मैंने नेजी से एक बात कही थी कि भाई एक्चुअली आप सबको भी पता ही होगा क्योंकि नेजी ने इस बात के बारे में जिक्र किया था जब उसकी मूवी आई थी बाहर, तभी वो पूरे सोसाइटी से, दुनिया से गायब हो गया था. कुछ हो गया था, कुछ वेरी बैड सिचुएशन हो गया था उसके साथ, जबकि वो एक साल पूरा दुनिया से गायब हो गया था. तो मैंने उसके बारे में जाना और मुझे लगता है कि वो उस सिचुएशन से बाहर नहीं आ पा रहा, और मैंने उसको ये भी बोला था कि मे बी इट इज़ हैम्परिंग योर परफॉर्मेंस, लेकिन कोई बात नहीं, यू आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल. और मैं नेजी को हमेशा मानता हूँ कि यार ये बंदा टैलेंटेड है, मतलब उसको कोई भी बोलता है ना भाई इसके ऊपर रैप बना, वो मतलब पाँच सेकेंड भी नहीं लेता फटक से बना देता है. और मैंने उसको बोला कि भाई यू आर सुपरबली टैलेंटेड, और मैं ऑफकोर्स हम दोनों की वाइब इतनी अच्छी बन गई कि हम दोनों ना आपस में बात करते थे, मराठी में बात करते थे, मला पर मराठी है तो पूर्ण है मला मराठी. तो कई बार बिग बॉस में बोलते थे साई केतन नेजी हिंदी में बात कीजिए, मराठी में नहीं करके. तो मैं उसको हमेशा बहुत मानता हूँ, बहुत अच्छा बंदा है, बस कभी कभी स्लो हो जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, वो उसका एक लाइफ में एक हिस्ट्री हो गई थी इसलिए. मैं चाहता था कि नेजी को ये ट्रॉफी मिले. साई मैं ये भी जानना चाहूँगी, सना मकबूल विनर हैं, उन्हें भी कहीं ना कहीं लोग ट्रोल कर रहे थे कि अनडिजर्विंग है अनडिजर्विंग, बट जहाँ तक ऑडियंस, जो जैसे कि आपने कहा कि 100% में से 20% ऐसे होते हैं जो आपको अनडिजर्विंग बोलते हैं, इस पे आप क्या कहोगे कि सना मकबूल विनर डिजर्विंग है अकॉर्डिंग टू यू? देखा जाए तो मुझे सना मकबूल का कॉन्ट्रीब्यूशन मुझे तो दिखा नहीं है, पता नहीं किसको दिखा है क्या दिखा है, लेकिन अभी सना मकबूल को तो ट्रॉफी मिल गई है, शी इज़ द विनर. शायद उसने काम किया होगा बाहर भी, उस लोगों ने उसको सपोर्ट किया होगा, जो कि अच्छी बात है, कोई बात नहीं. एंड आई रियली विश हर ऑल द बेस्ट एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस. क्या बात है, लास्टली क्या कुछ कहना चाहेंगे अपकमिंग प्रोजेक्ट और? अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में ऑफकोर्स मैंने थोड़े प्रोजेक्ट साइन अप किए, एक बड़ा प्रोजेक्ट में मैंने साइन अप किया है, जब वक्त आएगा मैं बताऊँगा. अपने और शिवांगी के रिश्ते के बारे में कुछ बताना चाहिए, किस तरीके से आगे की फ्यूचर, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर लिया है घर के अंदर. शिवांगी इज़ माय बेस्ट फ्रेंड, शी इज बेस्ट ऑफ द बेस्ट फ्रेंड्स, और शिवांगी ने मुझे ढेर सारा सपोर्ट किया जब मैं घर के अंदर था, और उसके अलावा लाइफ में भी एक दूसरों को हमने बहुत सपोर्ट किया है, और उसके अलावा आई जस्ट विश हर ऑल द बेस्ट. थैंक यू.